Assalamu alaikum everyone, my name is Momin Ali Munshi and you are watching OneTake Season 2. Last episode of Ikra Aziz is doing really well. I am glad you liked the show so much. I didn't see her passport, but let's just take her at her word. Why so much hatred and that too for such a positive person? The guest on the show today is true definition of multi-talented. Actor, singer, writer, host, VJ, RJ and many things. Basically a thorough entertainer. Career ki shuruaat inhone Faisalabad se ki as an RJ. A few years and two cities later, he found his space as the much-loved DJ on Mazak Raat. Then came his film debut, which further strengthened his connect with his fans and made him a hot property among directors. A few acclaimed projects on television and film, and this wonderful performer had officially arrived. I personally am a very fan of him, but I love him as well because reason being that he is a galaxy Lollywood ke bahut shuru se bahut ek genuine supporter hai, and that means the world to me. Please welcome the man himself, the extremely talented, very versatile, the funny man, the man himself, DJ, aka Mohsin Abbas Haider. आप कौन हैं? Oh sorry, आप क्यों नहीं आना था क्या? Sorry, आपको ना shirt नहीं पहचाना नहीं, because you know आप हमेशा shirtless होते हैं इसलिए. Really? Yes. आपको पता है अब दूसरे आदमी जिसने मुझे ये same joke किया. पहले किसने किया था? पहले अहमद अली भट्ट ने मुझे किया था ये. Airport पे मुझे मिले और उन्होंने एक तस्वीर मेरे साथ लगाई और उसका caption इन्होंने ये दिया था कि आखिरकार मैंने इनको shirt में देखा. तो ये पाकिस्तान का सलमान खान बनने का आइडिया कब और कैसे आया? यार ये आइडिया एक्चुअली सलमान खान नहीं, पाकिस्तान का मोहसिन अब्बास हैदर ही बनना चाहता हूँ मैं, लेकिन क्योंकि सलमान खान वो ले चुके कोई और. अच्छा अच्छा. तो ये नबील ने मुझे शायद दी थी पहली बार, पता नाम और मफरा हंस रहे उस बात पे पाक मुस्तफा पहले उस पे हंस लें मुझे आप समझ लगे वो बात और बहुत लेट है यार. आई नो सॉरी. सो या नबील ने नाम और मफरा 2 में मुझे ये कहा था कि एक बीच सॉन्ग है उसमें शर्टलेस होना है, तो शर्टलेस होने के लिए थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बॉडी दिखाना बहुत जरूरी था. तो तब से मुंह को लगी मेरे और बस ऐसे लगी कि अब हाँ, अब छूट नहीं रही. अच्छा आपने ना रिसेंटली एक फोटो लगाई थी इंस्टाग्राम पे शर्टलेस भी, वो पैंटलेस भी थी वो, और जिस पे आपने आपने कमेंट्स डिसेबल किए हुए थे, बचल के वहां फोटो की बात कर रहा हूँ मैं. हाँ, हाँ. तो उस पे आपने तो कमेंट डिसेबल कर दिए. अच्छा कुछ आप कहना चाह रहे हैं फोटो के बारे में? उस फोटो के बारे में ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत से लोगों को ये गुमान था और ये गलत फहमी थी इस फोटो वैसे. हाँ मोमेंट आई नो मतलब ये फोटो है जी. क्या मतलब मुझे पता लग गया ये फोटो है तो क्यों ये. अच्छा इस पे आपने तो कमेंट्स डिसेबल कर दिए, बट हमने कुछ अपलोड की गैलेक्सी पे कुछ कमेंट्स आए. तो ये आप जरा कुछ कमेंट्स पढ़ लें जरा, और हाँ. कुछ आपने भी रिएक्शन देना तो आप दे सकते हैं. तीन चार कमेंट्स राइट करके आप पढ़ते हैं. अच्छा ओके. क्या मुझे बा आवाज़ें बुलंद पढ़ना है? हाँ जी बिल्कुल. अल्लाह माफ करे बंदा शर्म गा ही छुपा लेता है, नाव से नीचे खुला है जब. बॉडी ग्रेट है बट एथिकली रॉन्ग. अच्छा यार शर्म का छुपी हुई थी वैसे उसमें. देखिए आप जब इंटरनेशनली भी बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले देखते हैं तो तब वो इससे भी छोटी छड़ियों में होते हैं. हाँ. तो मैंने अगर कुछ अच्छा ये पिक्चर खींचने का मकसद क्या था, बहुत से लोगों को ये गलतफहमी है कि आई डोंट ट्रेन लेग्स, बहुत से लोगों को ये गलतफहमी थी. तो ये उनकी गलतफहमी दूर करने के लिए कि मैंने शायद अपर बॉडी की सिर्फ वर्कआउट किया है और मैं लेग्स ट्रेन नहीं करता, तो आई डू ट्रेन लेग्स, तो ये उनको एक जवाब था. तो शर्मगा छुपी हुई है इसमें. शर्मगा का मुझे भी पता है क्या होती है यार, मतलब क्या हो गया. अच्छा कि और भी हैं. शर्म नहीं आती इसको, लेग्स पर वीट ही लेग्स पर वीट लगा लें, ये लेग्स पर वीट ही यूज कर ले. अच्छा भिजवा दें यार, मैं बिल्कुल कर लेता हूँ, साथ में कतरीना कैफ को भी भिजवा दें. सॉरी टू से बट ये भी पहनने की क्या जरूरत थी. ऐसे ही लोगों के लिए लाइन है कि कोई शर्म होती है, कोई या होती है, कोई शर्म होती है. साथ रफीक साहब ने एक लास्ट इसके बाद पढ़े. यार मेरे जैसे लोगों को क्या होता है, ये पहनने की क्या जरूरत थी. हाँ मैंने सोचा लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं यार बस ये लास्ट है. ये कैसा पड़े, 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 पड़े. ये कैसा अंडरवेयर है और कोई अच्छा सा नहीं है क्या, इसके पास हमेशा नोटिस किया बजता है अपने चड्डी के साथ, पता नहीं क्या. नहीं तो क्या कैसे अंडरवेयर? नहीं मेरे पास बहुत से अंडरवेयर्स की कलेक्शन है, आपके भाई के पास आपको आइडिया ही नहीं है. तरह तरह के दीदा से रंगों में भी दस्तयाब हैं, और फूलों वाले और प्रिंट्स वाले और सुपरमैन वाले, हर तरह के. लाइक सीरियसली मुझे बहुत शौक है. चले विल यू वेटिंग फॉर मोर फोटोज. अच्छा यू नो ऑन अ सीरियस नोट, आपका ड्रामा भी आया मेरी गुड़िया, इट्स डन वेरी वेल माशाल्लाह. तो आई वांट टू आस्क यू, इतना नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करना, एक तरफ डीजे फनी कॉमेडियन दैट्स योर इमेज,
इतना आउटराइट नेगेटिव, कितना मुश्किल था और डर था कि लोग कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं करेंगे या स्टीरियोटाइप हो जाएगा कि इस तरह के रोल्स ही आएंगे मुझे बाद में? अच्छा, ये डर ना हमें सबसे पहले हुआ था मुकाबले पे. ये सेम टीम के साथ ही मुकाबले भी किया था, जिसने मेरी गुड़िया किया, अली हसन के साथ ही, बिग बैंग के साथ ही. तो ये डर हमें तब था कि लोग बहुत नॉन सीरियस सा इमेज है, फिल्म्स में भी उनका भी ऐसा इमेज है, नामुम फ्रा टू वन. तो ओवरऑल इमेज, इवन अगर आप शुरू से भी देखें फोर मैन शो से 12 साल से, तो BNNBA ही था. तो उनको हमने बाकायदा संजीदा एक मीटिंग की कि यार हम आप पे रिस्क तो ले रहे हैं, लेकिन जे जे को भी लगता है, हमें भी ये लगता है, हम सबको, कि पता नहीं लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे एज ए सीरियस एक्टर. उन्हें भी ये लग रहा था, उनको भी ये लग रहा था, लेकिन मुझे भी पर्सनली फिर उन्होंने इस डाल दिया इस थॉट में कि अच्छा हाँ यार पता नहीं ऑडियंस किस तरह लेगी. लेकिन थैंक गॉड कि क्योंकि देखें कहीं ना कहीं मैं एज सीरियस एक्टर ही स्टार्ट कर चुका था जब मैं थिएटर करता था. तो ये इत्तेफाक ऐसा हुआ कि अभी तक कोई सीरियस रोल मिला नहीं था, तो उसके बाद फिर. लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली मेरी गुड़िया की बात करें तो मेरी गुड़िया एक्चुअली बहुत इंटेंस रोल था, जो कि शायद करते हुए मुझे भी 10 बार सोचना पड़ा. लेकिन मोमेंट किसी को तो करना ही था ना यार, मतलब वो इतना एक जिम्मेदारी वाला रोल था. मैं हमेशा कहता हूँ कि वो ड्रामा नहीं था, वो एंटरटेनमेंट से हटके कुछ था. क्योंकि उस ड्रामे में सॉरी सिर्फ चाइल्ड अब्यूज की बात नहीं कर रहे हैं हम, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, रॉन्ग मैरिजेस की बात कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो रिएक्ट कैसे करना है फैमिलीज ने, उसकी बात कर रहे हैं. तो उसमें बहुत कुछ था. तो एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल ड्रामा था वो, बिग बैंग की तरफ से भी, ARY की तरफ से भी, और जाहिर है डायरेक्टर की तरफ से भी. अच्छा, जो अदर अमल अश्कारा दो, वो बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ, बट टुवर्ड्स द एंड वो पता नहीं थोड़ा सा गुमराह, अजीब सा ही हो गया, थोड़ा गुमराह हो गया वो. और लोगों ने तो पसंद भी शायद नहीं किया एंड पे जाके. मुझे याद है आपका एक बड़े मजे का फेसबुक पोस्ट आया था, मुझे याद है, अब मुझे मिला नहीं, वो डिलीट कर दिया था आपने, कि यू रोट के मुझे प्रमोशन में यूज नहीं कर रहे, पता नहीं क्या हो रहा है, आई फील चीटेड और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. तो क्या हुआ था वो? अच्छा, एक तो लश्कारा जफर मिराज साहब का ही लिखा हुआ है, इट्स अ वेरी वेल रिटन प्ले. वो मुझे लगता है कि वो जो टाइमिंग चेंज होते रहे उसकी वजह से ऑडियंस जो है बहुत ज्यादा चेंज, उसकी वजह से ऑडियंस बहुत डिस्टर्ब रही. उसके पीछे वजह क्या थी मुझे आज तक समझ नहीं आ सकी, चैनल की या प्रोडक्शन हाउस की, पता नहीं क्या वजह थी. लेकिन उसकी टाइम इतना शफल हुआ, इट वॉज वेरी वेल रिटन, बहुत अच्छा ड्रामा था. लेकिन आपका पोस्ट मुझे याद है, मेरा पोस्ट था कुछ दिनों से, कुछ अरसे से जो पेज था चैनल का, उसके ऊपर जब भी प्रमोशन आती थी हर हफ्ते, तो उसमें मैं नहीं था. बिल्कुल हाँ, इन तस्वीरों में, कैप्शंस में, तो आई वाज नोवेयर. तो मुझे एहसास होना शुरू में मैंने नोटिस नहीं किया. मैंने कहा ठीक है, हर एपिसोड की एक अलग प्रमोशन होती है, उस एपिसोड में क्या हाईलाइट होती है उसके हवाले से. आई अंडरस्टैंड दिस. लेकिन फिर मुझे लोगों ने भी कुछ कहना शुरू कर दिया कि यार पिछले काफी हफ्तों से आप नहीं है प्रमोशन में, क्या मसला है? तो मैंने कॉल की डायरेक्टर साहब को, उन्होंने कहा हम प्रमोशन बना, हम तो ड्रामा बना के भेज देते हैं, तो आई डोंट नो के चैनल का क्या सीन है. तो फिर चैनल पे मैंने कॉल की एक साहब को, उन्होंने नहीं उठाया, तो मैंने प्रोडक्शन हाउस से पूछने की कोशिश की, उनसे भी रابطہ ना हो सका. तो फिर मुझे, मेरी बहुत कम हटती है, तो फिर मेरी हट गई एक्चुअली. तो फिर मैंने स्टेटस लगाया कि आई हैव नो क्लू कि इस क्या चल रहा है, मुझे इंटेंशनली इससे दूर रखा जा रहा है या क्या इनके इसके पीछे स्ट्रेटजी है. तो वो पोस्ट पढ़ने के बाद फिर मुझे चैनल ने भी रابطہ किया, फिर आला हुकाम ने भी रابطے किए, फिर प्रोडक्शन हाउस ने भी रابطہ किया. नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है. मैंने कहा ये बात मुझे आप पहले क्लियर कर देते, मुझे पहले बता दें कि क्या कोई आप लोगों का कोई प्लान है इसका, तो मुझे पता होना चाहिए ताकि हम सब एक पेज पे हों. ऑडियंस को ऐसा लगने लग गया, मुझे मेरे फैंस कहने लग गए हैं कि आप कहाँ हैं, आप क्यों इस तरह से बैक एंड पे डाला जा रहा है. तो मैं, मेरी ये कंसर्न था, तो इस वजह से. अच्छा, वो सेगमेंट शो कॉल्ड ब्लास्ट इन द पास्ट, तो उसमें कुछ हमको वीडियोस कुछ दिखाते हैं पास्ट से, आपका कमेंट लेते हैं. आपका तो बहुत ही रीसेंट है, और टेक्निकली आपका नहीं है ब्लास्ट, किसी के और का ब्लास्ट है, बट सिंस आप भी इसमें हैं तो आपको मैं दिखाता हूँ. ठीक है, इस फ्रॉम द लक सेल अवार्ड्स. ठीक है, समझ तो गए होंगे क्या होने वाला है. तो ये हुआ रिसेंटली लक सेल अवार्ड. ठीक है, आहा दजम इज विनिंग द बेस्ट एक्टर अवार्ड. ठीक है, मोमेंट सीरियसली इसको क्लियर भी किया था. देखी थी, और इसके बाद बहुत से मेरे पास ब्लॉगर्स भी आए थे, बहुत से इंटरव्यूज हुए थे इस हवाले से. अच्छा, हुआ क्या था, मेरे 3 नॉमिनेशंस थे और मैं एक भी नहीं जीता था. आपको लगता था आप जीतेंगे? हाँ, मुझे लगता था कि मैं जीत सकता हूँ, क्योंकि मुकाबिल नॉमिनेटेड था, मुकाबिल बहुत अच्छा प्ले गया था. मुकाबिल आहत बहुत अच्छे एक्टर हैं, ऑब्वियसली ऑडियंस पोल होता है, ज्यूरी पोल होता है, उनको जो बेहतर लगा उन्होंने वो किया. मुझे पर्सनली, मेरी इंडस्ट्री में कभी किसी से कोई मसला नहीं है. मैं बहुत फोकस्ड आदमी हूं, जा रहे हैं वहां पर भी, मैं बड़ा फोकस्ड आदमी हूं, मैं अपने काम से काम रखने वाला आदमी हूं. तो
जब ये जीते थे तो वो बेसिकली, अच्छा ये जो शॉट है, ये शॉट ये जो बू करने का है ये कहीं और का अच्छा, इसमें एक कैलकुलेशन ये थी कि मैं मोहसिन को बू कर रही थी, मैं मोहसिन को तो कहीं नहीं कर रही थी, वो सामने देख के कर रही थी, मोहसिन को ये शॉट यहां का था ही नहीं, मैं कहीं मैंने बू तो कर रही थी, हां ये कहीं बू कर रही थी, एग्जैक्टली तो ये कहीं और का शॉट है, लेकिन ये बड़ी अच्छी तरह से सही जगह पे उन्होंने करके लगाने के लिए ताकि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। हम लोग बहुत चिल लोग हैं, हम लोग अपने एग्जैक्टली लगते हैं बहुत चिल लोग, तो हम लोग अपने काम से काम रख रहे होते हैं। वो सिर्फ उन्होंने मुझे बहुत जलील किया था उस रात, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उन्होंने मुझे कहा कि हम तो तेरी वजह से आए थे इतने तैयार होके कि तेरी 3 नॉमिनेशन है, कोई एक अवार्ड मिलेगा, हम तेरे लिए तालियां बजाएंगे, कुछ सीढ़ियां मारेंगे, मुझे एक भी अवार्ड नहीं मिला। और मैंने भी फिर जब उनको होटल पे उतारा मैंने कहा निकल जाओ यहां से, कोई बात नहीं करेगा इस हवाले से आज के बाद। तो या इट वाज जस्ट मिसकंसेप्शन। एक और ब्लास्ट है, वो एक वीडियो नहीं, वो एक कमेंट आपका, वो जब आई थी लास्ट ईयर नाम बाद में फ्लैट 2, तो आपने एक इंटरव्यू दिया था, तो उसमें आपने अपनी ऑपोजिट शर्टलेस बॉडी का जिक्र किया था, तो आपने कहा था इन पाकिस्तान्स फिल्म रिवाइवल अ मेजर फिल्म रिलीज वेयर द सुपरस्टार हैड टू गो शर्टलेस बट ही वाज क्वाइट आउट ऑफ शेप सो दे हैड टू ब्लर द स्क्रीन आउट सो वी हैव अ बॉडी वी विल फ्लॉन्ट इट। तो किसकी बात आप कर रहे थे और कौन है कि लोगों को लगा हमजा लिबासी की बात हो रही, वो आई थी जवान, हाँ, वो एक थी। हाँ वो एक खातून है, उन्होंने इस चीज को पता नहीं कहाँ जाके जोड़ दिया, एक इंटरव्यू हुआ था हमारा, मेरा और हानिया का, तो उसमें वो कुछ हम दोनों की थोड़ी बहुत शोहरत से खुश नहीं थी शायद तो उनके ना सवाल बड़े कड़क थे, अच्छा। बड़े अजीब से थे, तो उन्होंने उसमें से ये एक बात निकाल दी, फिर हारून ने इंटरव्यू किया था, कम ऑन मोमिन पानी होता सबको पता उन्होंने इंटरव्यू किया था ये तो खैर उन्होंने लिख दिया कि जी शायद मैं हमजा को कह रहा हूँ। और मैं आपको सच बताऊं, वासिर चौधरी से खास माजरत के साथ, मैंने जेपीएनए 1 जेपीएनए 2 दोनों ही नहीं देखी अभी तक, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात, शुड बी 1 भी नहीं देखा आपने, मैंने 1 भी नहीं देखी थी, तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो किस सीन की बात कर रही है। अच्छा। फिर मुझे वो प्रोमो में याद आया कि प्रोमो में हमजा पूल से निकलते हैं, तो शायद उसकी बात, आपने किसके बारे में बात की थी पहले? ओके, किसी के बारे में? एक चले मैं बता देता हूँ, हो सकता है कि इससे मोटिवेशन मिले उनको। हाँ। आज हम सिर्फ सच बोलेंगे। हाँ। ताकि ये शो बहुत तेरा रेटिंग ले और वायरल हो। तो मैं फिल्म के बारे में मुझे कंफर्म नहीं है कि कौन सी थी, वार थी या O2-1 थी, उसमें मैं बहुत पर्सनली फैन हूँ। हाँ। मैं सबसे पहले ये बात करूँ, मैंने अभी मुज़ाकरात में गाना भी गाया था, और मैं उसमें हमारे पास वो आई थी अतीका उडो साहिबा आई थी, तो मैंने उनको कहा भी था कि शान साहब इस गाने में जब पलट के यूं ही करते हैं तो चार चांद लग जाते हैं, मोमेंट में चला गया, यार ही सो अमेजिंग। ट्रू ट्रू ट्रू। तो उसमें वो शायद वर्कआउट आजकल नहीं कर रहे, तो उनमें से किसी एक फिल्म में उनका जाते हुए एक शॉट था, अच्छा, वो शर्टलेस और वो ब्लर कर दिया गया था, लेकिन फिर भी वो आउट ऑफ शेप नजर आ रहे थे, तो मैं उसके बारे में बात कर रहा था, हमजा के बारे में बात नहीं थी। तो आई होप कि वो वापस अपनी वर्कआउट रूटीन पे आए, क्योंकि उनको देख देख के हमने वर्कआउट करना शुरू किया है, जब उनका जितना बाइसेप उतना मेरी शक्ल है, ही वाज वेरी स्मार्ट गाय, तो आई होप कि वो वापस वर्कआउट रूटीन पे आए। शान एंड आई शुड वर्क आउट टुगेदर नाउ, यस प्लीज डू, ताकि आपको भी खाली काली शर्टें पहनने से फुर्सत मिले। अच्छा, रिसेंटली आप यासिर हुसैन के शो पर आए थे हम टीवी पर, तो वहाँ पे आपने पता नहीं मजाक में बात की थी कि मुझे फिल्म के पैसे नहीं मिलते, मैंने सारे पैसे टीवी से कमाए हैं, तो वो सच था, वो मजाक था, क्या सीन था वो? या नहीं, वो ऐसा है कि नबील और फिजा जो हैं वो एक हम लोग बिल्कुल फैमिली की तरह हैं, हम लोग बहुत अरसे से साथ हैं, नबील और मैं 8-10 साल से साथ हैं, तो पैसों की हम ना डिस्कशन नहीं करते असल में आपस में, ठीक है, तो मैं कभी मांगता नहीं और वो खुद से कभी देते नहीं मतलब अगर नवीन मुझे रात को भी कॉल करेगा ना यार मोहसिन एक्टर इन लॉ का गाना लिखना है यार, तो मैं उससे ये नहीं कहूंगा कि पैसे कब मिलेंगे, कितने पैसे देगा, मैं कहूंगा हाँ ठीक है ओके, हालांकि अगर कोई और मुझे कॉल करेगा तो मैं उससे ये पूछूंगा हाँ ठीक है गाना है बजट क्या है ये है वो, नबील का या फिजा का अगर मुझे फोन आएगा उसका मतलब है कि मैंने गाना बनाना है, उसके पैसों की बात ना कभी होगी, अगर वो दे देंगे तो ठीक है, मैं इस तरह का सीन। अच्छा, ये सब इन फिल्म्स के लिए, ये ऑफर भी सिर्फ उन दोनों के लिए है। अच्छा, तेरी मेरी लव स्टोरी के लिए नहीं है? ये तेरी मेरी लव स्टोरी के लिए आपको ब्लैंक चेक मिलना चाहिए था कि जितने पैसे लिखे आपने फिल्म कर ली वो, और साकिब भाई के साथ अभी बाजी कर रहे हैं, उसका भी जाहिर है कि बजट था, अभी एक नए साहब के साथ मैं डायरेक्टर हैं उनके साथ एक हम हमारी फिल्म की डिस्कशन चल रही थी, उन्होंने मुझे यही कहा कि मैंने देखें मैंने आपको वो इंटरव्यू सुना वो जिसमें आपको आपने कहा था आपको पैसे नहीं मिलते मैंने कहा नहीं 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 वो ऑफर सिर्फ नबील और फिजा के लिए। अच्छा, पैसों की बात करें तो आज एक बहुत ट्रेंड चला हुआ है इंस्टाग्राम पर, सेलिब्रिटीज ब्रांड्स को एंडोर्स करते हैं फॉर इंस्टाग्राम पोस्ट, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है बीइंग अ ब्लॉगर माय सेल्फ आई फील दैट्स काइंड ऑफ चीप, क्योंकि आप इतने ज्यादा ब्रांड्स को हफ्ते में कोई 10 वीडियोस लगा रहे हैं, आप कभी इसको कभी उसको, तो ये क्या हो रहा है इंडस्ट्री में? आई लव दिस क्वेश्चन, आई सो वांट टू टॉक अबाउट दिस। देखिए
मुझे लगता है कि मेरे पास बहुत से ब्रांड ऐसे आते हैं और मैं उनको इनकार करता हूँ. लीडिंग ब्रांड्स आते हैं आपके पास, सारे लीडिंग ब्रांड्स आपके पास आते हैं और वो आपको कहते हैं कि जी आपकी ये पोस्ट होगी, हम आपको ये तोहफा भेजेंगे, आप उसकी तस्वीर लगा देंगे. अच्छा, अब उसका मतलब तो यही है ना कि मैं आपके ब्रांड को इंडोर्स कर रहा हूँ. एग्जैक्टली, जहां पर मैं आपसे उसके तिगने पैसे लेता हूँ एक कमर्शियल के. बिल्कुल, ठीक है, आपके 30 मिनट का एक कमर्शियल होगा, मैं उससे आपके तिगने पैसे लूंगा और आप उससे मुझे आधे से भी बहुत से कम में एक तस्वीर, उसी इंडोर्समेंट की बात करें, 30 सेकंड का आप एक वीडियो बना के डाल दें, तो मैं 30 सेकंड का वही कमर्शियल आपको बना के दे रहा हूँ, आपकी बॉटल या आपका बर्गर या आपका पिज्जा की चीजें, आपका जूता, आपका पहन के, आपके कपड़े पहन के खड़ा हूँ, तो मैं ब्रांड एंडोर्स कर रहा हूँ लेकिन मैं आपसे पैसे कम ले रहा हूँ. तो ब्रांड अगर इतना स्मार्ट हो गया है तो हम लोगों को क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आती. आप लोग और डम हो गए, आप लोग बहुत डम बिहेव कर रहे हैं आगे से कि आप लोग, तो मैं तो इनकार कर देता हूँ. मैं कहता हूँ कि जी आप देखिए, मैं आपका ब्रांड एंडोर्स करूंगा तो मैं उतने ही पैसे लूंगा जितने कमर्शियल देता हूं. ब्रांड बहुत स्मार्ट खेल रहा है कि वो जहां एक बंदे को उसने लाखों रुपए दे के एक कमर्शियल बनाना था, अब आपको 20 पोस्ट मिलते हैं और वो 20 सेलिब्रिटीज आपके ब्रांड को एंडोर्स करते हैं और वो आपको हजारों रुपए के में, मतलब कौड़ियों के भाव आपको पोस्ट लगा देते हैं. बहुत एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सब एक्टर्स से मेरी भी कि अगर आप लोग ये काम करेंगे कुछ पैसों में तो आपके जो नीचे हैं, जो मीडिया है, जो ब्लॉगर्स हैं, जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं देंगे कि जो आप लोग 40,000-50,000 एंडोर्समेंट तो हो जाती है वो. खैर, फिल्म्स की मैं बात करती हूँ तो बाजी फिल्म आपकी आ रही है, वो आई नो सुनने में आता है मीरा के ऊपर एक बायोपिक है या क्या है, क्या है फिल्म बेसिकली वो? यार अभी हम बहुत ज़्यादा उसके बारे में रिवील नहीं करें, लेकिन इन शॉर्ट के वो मीरा जी की लाइफ के बारे में नहीं है. ठीक है, वो उन तमाम किरदारों के बारे में है जो आपको पोस्टर. मैंने सुना था एक एक्ट्रेस की कहानी है जो पहले एक बहुत बड़ी स्टार थी, अब वो इतनी बड़ी स्टार नहीं है, तो उसकी लाइफ कैसे बदली, ऐसी कोई कहानी है? मतलब ये पैशंस की कहानी है बेसिकली. ठीक, मेरा पैशन, उस्मान का पैशन, अली का पैशन, आमना का पैशन, मीरा जी का पैशन. अच्छा. हम सब लोग कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखते हैं और फिर वो कैसे कैसे स्टोरी इन 5 लोगों के साथ, 6 लोगों के साथ आगे बढ़ती है. इट्स अबाउट दैट. हमने फिल्म की इतनी बात की है, फिल्म के डायलॉग्स आर ऑलवेज यू नो ग्रेट पार्ट ऑफ फिल्म्स, आइकॉनिक डायलॉग्स होते हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ 5-6 डायलॉग्स रखे हैं, ये कुछ ड्रामों के हैं, कुछ फिल्म्स के हैं. ठीक है, तो आपने करना कि यू हैव टू डिसाइड दिस डायलॉग्स लेकिन एक मुख्तलिफ अंदाज में. ठीक है, तो पहला डायलॉग है, आपने इसको बहुत ही एक सेडक्टिव तरीके से बोलने की कोशिश करनी है. कभी कभी दिल चाहता है कि रास्ता खत्म ही ना हो. वाह 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 वाह. अच्छा, दूसरा डायलॉग है ये आपने, अगर मुझे इसके बाद काम ना मिला मोमिन में तुझे सू कर आपको फिल्म मिलेगी मीरा के साथ फिर से. अच्छा, ये दूसरा है, ये मौला जट का डायलॉग है, इसको आप पढ़ ले, पंजाबी में है. मैनू ते स्वाद खो के खाण दा आंदा, सुनिए बाज मार ले मौला नू, क्योंकि हुण मैं ओनू नहीं तेनू चुकांगा. मर्द औरत के लिए सिर्फ एक दरवाजा होता है और दरवाजे का काम या तो रास्ता देना होता है या रास्ता रोकना. Mohsin, we have another segment on the show called On Your Phone. Hmm. I want you to take your phone out. कुछ सवाल हैं जो आप अपने फोन में देखे हुए जवाब देंगे. ठीक है. सबसे पहले मुझे बताएं आपकी होम फोटो कौन सी है? प्राइवेट तो नहीं कोई? नहीं नहीं नहीं. होम फोटो मेरी दो हैं एक्चुअली. मेरे स्क्रीन सेवर पे मेरी बेटी की और मेरी पिक्चर है और जब आप इस पे जाते हैं तो मेरी अम्मा की और मेरी. ये तो आपकी व्हाट्सएप पे भी है. अच्छा, व्हाट्स द लास्ट मैसेज जो आपने कुबरा खान को भेजा? कुबरा को, मतलब कोस्टार जैन. हाँ, कुबरा को मैंने लास्ट मैसेज जो भेजा होगा वो मैंने उसकी सालगिरह पे भेजा होगा. हैप्पी बर्थडे. हैप्पी बर्थडे का गा के. अच्छा, गा के? हाँ. क्यों? क्योंकि वो हम लोग जब पहली फिल्म कर रहे थे ना तो वो एक रिवायत बनी थी हमारे बीच कि उसकी सालगिरह पे शी वॉन्ट मी टू सिंग. ठीक है, तो फिर वो रिवायत आज तक चल रही है. लेकिन कुबरा से मैं गिला जरूर करना चाहता हूँ कि कुबरा, मैं तुम्हें हर बार गा के विश करता हूँ और तुम मेरी सालगिरह पे मैसेज तक नहीं करती. That was so rude. Kubra, मैंने ये दिल में रखी हुई थी, बाद में तुझे करनी थी मैंने, आज मैं तुझे ऑनर कह देता हूँ. चलिए, बेस्ट है. आई होप कुबरा इज़ सीइंग दिस. अच्छा, हानिया आमिर को लास्ट मैसेज किया आपने? हानिया को मैंने आज किया है, आज आने से पहले अभी. ये मैं बताता हूँ. हाँ, हानिया को मैंने मैसेज किया था कि
एक फिल्म की अवेलेबिलिटी पूछनी थी मैंने उससे, उसकी डेट्स चाह रहा था मैं, तो डायरेक्टर डायरेक्ट कॉल करते हुए डर रहा था, तो मैंने कहा मैं उनसे पूछ लेता हूँ। कौन सी फिल्म है जिसमें हानिया आमिर और मोहसिन अब्बास हैदर हमें नजर आए? अभी हम कुछ बात कर रहे हैं इसमें। अच्छा अच्छा, सबसे इमोजी कौन सा यूज करते हैं? ये पता नहीं सॉरी है कि थैंक यू है कि यार, ये फॉर मी दिस इज हंबलनेस, हाई फाइव है अपेरेंटली, ये बेसिकली हाई फाइव है, लेकिन हाई फाइव के लिए और भी बहुत से हैं, ये वाला भी कर लेते हैं आप, ये वाला भी कर लेते हैं, तो मैं इसको एज हंबलनेस करता हूं कि अगर मुझे कोई कहता ना कि आप बहुत अच्छे और ये और वो, तो मैं कहता हूं थैंक यू के साथ मैं ये कर देता हूं। अच्छा, मुझे आपसे एक बड़ा पर्सनल सवाल पूछना है जो बहुत लोग पूछना चाह रहे हैं, आपने कितनी शादियां की हैं और आपने कितनी तलाकें दी हैं? आज आप क्लियर करते हैं, बिकॉज़ आपकी पेरेंटली बहुत शादियां हो चुकी हैं, बहुत तलाकें भी हो चुकी हैं, बता दें आप क्या सीन है? यार मेरी एक ही शादी है, ठीक है, और एक एक ही शादी है और एक आपको बहुत होती है, मैं आपको सच बताऊं तो एक भी बहुत होती है। तो हाँ, एक अफवाह चली थी, मैंने एक दो हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनको बाकायदा जलील भी किया था इस बात पे कि आप लोगों ने मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया, आप लोगों ने ऑथेंटिकेशन भी जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ कभी भी सोशली डिस्कस नहीं करता। तो जब मेरे बारे में ये बातें शुरू हुई तो मैंने एक दफ़ा सनम के शो पे भी जाकर ये क्लियर किया था, और उसके बाद फिर मैंने उन साहब को भी कहा तो फिर उन्होंने वो करेक्ट भी किया, माफ़ीनामा भी भेजा मुझे, और मैंने उनको भी अनफ्रेंड किया फिर। तो ऐसा हुआ कि वो कोई अफवाह चली और उस पे उन्होंने बिना तहकीक के खबर छापी। आपकी जब भी फोटो भी लगाते हो ना गैलरी से विद योर वाइफ, तो लोग कमेंट्स करते हैं ओह इज इट डिवोर्स, ओह इज इट सेकंड वाइफ, तो ये कमेंट्स आ जाते हैं। अच्छा, मुझे आपसे एक और बात पूछनी है मोहसिन, नो लाइक वेरी ब्लंट वेरी ऑनेस्टली, कि इस इंडस्ट्री में ना एक बड़ा एक प्री कंसीव्ड नोशन ऑफ ब्यूटी है, गोरा रंग, एक लंबा चौड़ा, लंबे तो खैर आप हैं, कि मतलब एक है आइडिया, ठीक है हीरो ऐसा होना चाहिए, एंड यू कैन गो अगेंस्ट दैट, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में रिलक्टेंस ही लोगों को एक्सेप्टेंस की आपको जब आप स्टार्ट किया आपने, ऐसा कुछ हुआ? बिकॉज मैंने यासी से भी ये बात पूछी थी कि हमारा एक है प्री कंसीव्ड नोशन ऑफ ब्यूटी, तो आपको कुछ फेस करना पड़ा कभी कुछ इतना कुछ क्रिटिसिज्म या समथिंग ऑफ दैट? हाँ मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बल्कि आपको एक बात बताता हूँ, फैसल कुरैशी साहब ने एक शो पे अपने कहा था कि मीरास ड्रामा हमने किया तो हमारी कास्ट वहाँ पे बैठी थी, सबूर भी वहाँ पे बैठी थी, सवेरा जी, फहद, मैं लाहौर में था, मैं जा नहीं सका, तो बात हुई कि जी बड़े मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये लोग अपने टैलेंट के सर पे आगे आते हैं, और जैसे मोहसिन अब्बास हैदर है, जैसे गौहर रशीद है, तो सबूर ने बीच में से कहा जैसे बिलाल अब्बास खान है, तो फैज़ भाई सेड नहीं नहीं वो तो प्यारा है, तो ही सडनली रियलाइज कि व्हाट ही सेड, तो आई थिंक वो फिर फॉरन ब्रेक पे चले गए, तो ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ। तो मेरी और गौहर की भी जब बात हुई, हमारी मीटिंग हुई जिम में भी, तो ही वॉज लाइक के यार ऐसे ही रहना है हमने, बिना टीकों के ही इंडस्ट्री में रहना है हमने, और काम से मनवाना है अपने आप। बिल्कुल, तो मेरा मानना ये है कि मैंने अभी एक इंटरव्यू में रिसेंटली भी कहा कि देखिए मुझे उस लीग में फॉल नहीं करना एक्टर्स की कि जो बेड से सोए हुए उठते हैं और जेल बैग बाल होते हैं उनके। मैं मुझे नहीं प्यारा लगना, मेरी लीग बिल्कुल, मुझे एक्टिंग करनी है यार। बिल्कुल, हाँ। मुझे एज एन एक्टर, मुझे याद करेगा यार वो मोहसिन एक्टर बड़ा अच्छा है, लेकिन यार वो लड़का वो सुपरस्टार है, हाँ ठीक है वो सुपरस्टार है, वो बहुत प्यारा है, वो गुड लुकिंग है, वो चॉकलेटी हीरो है, एक्टिंग एक्टिंग क्या किसने करनी थी? नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक थप्पड़ खाया था मुन्ना भाई एमबीबीएस में, उससे पहले बहुत से और छोटे छोटे रोल्स किए थे, आज वो सोलो फिल्म्स कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ही डोंट हैव बॉडी। बिल्कुल, इरफान खान डोंट हैव अ बॉडी। बिल्कुल, मनोज बाजपेयी डोंट हैव अ बॉडी, विजय राज डोंट हैव अ बॉडी, nobody has a body when you talk about good actors, you know, आमिर खान या और बहुत से एक्सेप्शनल केसेस हैं, सलमान खान जितने अच्छे एक्टर हैं हम सबको पता है, बहुत अच्छे, ठीक है। सो या व्हेन यू इट कम्स टू एक्टिंग, आपकी बॉडी आपका प्लस पॉइंट हो सकती है, प्लस पॉइंट हो सकती है दैट यू आर गुड लुकिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर नीड। जैसे राजकुमार राव हैं, he's a brilliant actor, वो अपने आप को शफल करते रहते हैं, उन्होंने अपना वेट पुट ऑन किया, उन्होंने अपना वेट लूज किया, मुझे नबील ने कहा कि आपको हमें शर्टलेस करना है, तो मैंने अपनी बॉडी पे काम किया, मुझे साकिब भाई ने कहा आपको शर्टलेस करने के, मैं अपनी बॉडी पे काम किया वापस। सो या आप एट द एंड ये परफॉर्मिंग आर्ट्स है, बिल्कुल हां, यू हैव टू परफॉर्म टू सस्टेन। बिल्कुल, तो मुझे ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, टीके लगाने की कोई नौबत नहीं आएगी इंशाल्लाह, मैं ऐसा ही हूं, काम करूंगा जब तक लोगों को पसंद आएगा तब तक सस्टेन करूंगा। अच्छा, इस इंडस्ट्री में मैं आपसे पूछूं, आपका दोस्त कौन है इंडस्ट्री में, एक्टर्स में, एक्ट्रेसेस में, तो कौन आपके दिमाग में आएगा? I had a quote about this. हां, अच्छा, I wrote a quote about this that I'm here to make money, not friends. So let's play professionally. वाह, so I'm very, मेरा फंडा बहुत सिंपल, बट फिर भी इफ आई से कोई आपका जो क्लोज हो थोड़ा दोस्त हो, कौन सा नाम आएगा दिमाग में?
नवीन जिसे मैं कहूँ अभी कॉल करके आप मुझसे पैसे मांगे तो किससे आप पैसे मांग सकते हैं यार ये देख नवीन कुरैशी कोई और फिजा को मैं ये कह सकता हूँ नवीन फिजा के अलावा और मैं उनको पैसे नवीन नवीन को पता है कि आप यहाँ पे आ रहे हैं मेरी बात हो चुकी थी और कोई बंदा दिमाग में आया नवीन के अलावा जिसे मैं असल में कॉल कर सके आप उनसे पैसे मांगे अहमद अली भट्ट को बोले वो फनी जवाब देगा हाँ हाँ लेट्स ट्राई हाँ लेट्स ट्राई हाँ बट सबसे मैंने कभी ऐसी बात नहीं यहाँ से कुछ इंटरेस्टिंग आया रोल पे डाल रोल पे डाल रोल पे हेलो मतलब कैसे आप मैंने कहा ऐसे बात करूं या गुनगुनाऊं मुझे समझ नहीं आ रही थी फिर मैंने कहा मैं गा ही लेता हूं चार चांद लगा दिया आपने तो मतलब यार बच्चा एक काम के लिए आपको मैंने फोन किया हां हां जाहिर बात है तुम जैसे कंजर दुआ के लिए थोड़ी फोन करते हैं हां ये भी सही है तो अब बच्चा पैसे चाहिए मुझे कुछ यार कितने यार 5 लाख रुपए सिर्फ कंजर सेंसर होगा बाकी आपने सब सही कहा सर ठीक हो गया थैंक यू सो मच आपने मेरी इज्जत रख ली मैंने इसको कहा था कि मुझे इंडस्ट्री में कोई भी पैसे दे देगा मैं इतना अच्छा आदमी हूँ क्या बात है लव यू सर काम के लिए है ना ये नहीं पूछना बस मुझसे थैंक यू बेटा ओके इज्जत रख ली 5 अभी तो मैं 5,000 कह रहा था आपने 5 लाख ही बोल दिए 5 लाख दे दिए मैं 5 रुपये थोड़ा सोचेंगे 5,000 क्या करने लेके मुझसे 5 लाख एक बार कितने Today we'll end the show, but not without the rapid fire. So ready, you? Sure. बहुत rapid, बहुत honest. ठीक है, Mohsin. चलें, let's start. ठीक है. अच्छा, जल्दी से कुछ options हैं. ठीक है. मज़ाकरात या नामन मुफ़रात वन. एक choose करें. नामन मुफ़रात वन. नामन मुफ़रात वन या टू. नामन मुफ़रात वन. इसलिए. Mohsin the actor या Mohsin the singer. Mohsin the actor. Mohsin comic roles or Mohsin in serious roles. Mohsin in serious roles. अच्छा, नदीम बे की next film के नबील कुरैशी की next film. टफ है थोड़ा यार ये टफ है लेकिन नबील को चाहे दोस्ती का मार्जिन देना नबील कुरैशी अच्छा ओके अच्छा अगर आप एक अवार्ड शो होस्ट कर रहे होते किसको आप अपना को होस्ट बिल्कुल नहीं चाहेंगे बिल्कुल नहीं चाहूंगा आई एम श्योर बहुत लोग होंगे किसको मैं अपना को होस्ट बिल्कुल नहीं चाहूंगा यासर हुसैन को क्यों मेरी सारी पंच लाइन को ले जाएगा यार वो ज्यादा उसके पास वो राइटर भी है ना तो वो उसकी कॉमिक टाइमिंग ज्यादा अच्छी है वो सारी लाइमलाइट ले जाएगा अच्छा मैं 5 लोगों के नाम ले रहा हूँ आपने इनको रैंक करना है कॉमिक टाइमिंग की उस बेसिस पे ठीक है अहमद अली भट्ट वासिर चौधरी मोहसिन अब्बास हैदर उस्मान खालिद भट्ट और यासिर हुसैन 1 पे कौन है 5 पे कौन है 1, 2, 3, 4, 5 अच्छा कॉमिक टाइमिंग्स में हाँ मतलब कॉमेडी पे कॉमेडी सीरीज पे जो भी अहमद अली भट्ट 1 यासिर हुसैन ठीक है 2 और कौन है वासिर चौधरी उस्मान और आप उस्मान खालिद भट्ट वासिर चौधरी अच्छा ठीक है ये मैंने कर्टिसी में अपने आप को नीचे रखा है ऑब्वियसली हां ऑब्वियसली वरना बन है मोहसिन अब्बास हैदर तो यू नो व्हाट आई मीन अच्छा अगर आपको इन एक्ट्रेसेस से फ्लर्ट करना होता आप क्या कह के फ्लर्ट करते हुमायूं मलिक हुमायूं मलिक से हां यार हुमायूं मलिक साहिबा जो हैं उनसे मेरे जरा फैमिली टर्म्स हैं तो नहीं कर सकते हां उनसे फ्लर्ट नहीं कर सकता मैं अच्छा माहिरा खान माहिरा खान माहिरा शी इज सच अ स्वीट हार्ट फ्लर्ट नहीं तो उनके साथ फ्लर्ट करने को दिल नहीं करता माहिरा के को मैं बहुत अरसे वीजेइंग के दौर से जानता हूँ मैं तो वो बड़ा बहुत जब भी हम मिलते हैं बड़ी अच्छी बहुत अच्छी वाइब्स हैं उनकी तो मैं उनसे वाहियात फ्लर्ट करने को दिल करेगा नहीं मेरा अच्छा मीरा जी यू नो व्हाट आई लव यू मीरा जी आई लव यू सो मच लास्ट मथीरा मथीरा यार मेरे जहन में कैसी लाइन आई थी कि बोले पूरे प्रोमो में बोलने लगा बोल दे थी रिपीट बोल दे अनसेंसर्ड वन टेक नो फिल्टर जो दिल में आए बोल ले यूट्यूब है तो उनमें और मेरे में एक मुश्तरक बात है कि
मेरे इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा कौन सी तस्वीरें होती हैं? अच्छा नंगी तस्वीरें यही है ना? ओके आगे मथीरा के लिए नो आई डिडंट सेड दैट. अच्छा मैंने भेज दिया वन मतलब आपसे फ्लर्ट कैसे करेंगे इस बेसिस पे? चलें चलें लेट्स लीव इट. अच्छा एक फ्लर्ट खुद ही हो जाएगा आगे चल. अच्छा वन वन एक्ट्रेस जो आपको खूबसूरत लगती हो. खूबसूरत लगती हो, अच्छा सवाल है. खूबसूरत तो बहुत है. हाँ खूबसूरत तो बहुत है यार, पीछे चला जाऊं बिना मेकअप के खूबसूरत लगती हो? चले मैंने लिमिट कर दिया आपके लिए. बिना मेकअप हाँ नहीं खूबसूरत है बिना मेकअप के. ठीक है. अच्छा वन एक्टर यू कैन नॉट वेट टू वर्क विद? कैन नॉट वेट टू वर्क विद महविश बहुत अच्छी एक्ट्रेस है. हमने काम किया था उनके साथ एक तरह से. सज्जल अली आहत रजा मीर उनकी शादी होने वाली है जो भी वो अलग स्टोरी है. अच्छा इनके अलावा कोई और आपको लगता है? इसके अलावा यासिर हुसैन और अच्छा कौन था जो विवास? अच्छा ठीक है. हाँ. अच्छा ठीक है इस तरह के ऑब्वियस इकरा अजीज एंड यासिर हुसैन. ओए हो तू देश गर्म नहीं इकरा के हम तो एपिसोड उसने कहा हमारी फ्रेंड से कुछ नहीं है फ्रेंड जोन है सो दोस्ती प्यार में बदल जाएगी होपफुली. ठीक है. अच्छा हाँ. अगर आप एक जर्नलिस्ट होते और आपको एक उसका जवाब तो मैंने दिया ही नहीं वैसे पिछले सवाल का. आप आपने चलो बता दे कौन है हु शुड के जिनकी शादी हो जानी चाहिए. हाँ. ना अगर आप एक जर्नलिस्ट होते और आपको एक बहुत ही बेहूदा स्टूपिड सवाल पूछना इन लोगों से आप क्या पूछेंगे? कुबरा खान. कुबरा खान हाँ कोई सवाल जो आपके दिमाग में जो पहले सवाल आएगा ना वो आप बता दें. अच्छा जो पहला आएगा. हाँ ठीक है. अब हर शूट पे नाचना क्यों शुरू कर देते हैं? ठीक है. हानी आमिर. हानी आमिर सारी बातें लड़कों से करने वाली नहीं होती. उष्णा शाह. उष्णा शाह ना लड़ा करो इतना यार. क्या ना लड़ा करो इतना? अच्छा हर कोई यही कहता है उनके बारे में. आई एग्री ना लड़ा करें इतना. अच्छा व्हाट्स द क्रेजीएस्ट रूमर यू हर्ड अबाउट योरसेल्फ? अजीब सा कोई रूमर सुनाओ. रूमर हाँ बहुत होंगे अपने बारे में. मैंने कि मैं एक पर्ची हूँ या मैं या मेरी डाइवोर्स के बारे में बहुत ये सबसे बड़ा रूमर था. स्कैंडलाइज मैं अभी तक हुआ नहीं कभी लेकिन अपनी डाइवोर्स के बारे में जितनी मैंने सुनी ना खबरें हर बंद मुझसे आमना अभी मैं और आमना जब हम वो परफॉर्मेंस हाँ खत्म हुई अब हम वापस जा रहे हैं घर को परफॉर्मेंस करके मरे पड़े मुझे बात बता क्या यार मैरिड ना हाँ नहीं आई नो यू आर मैरिड लाइक यू आर स्टिल मैरिड ना हाँ हाँ स्टिल मैरिड यार मतलब बस कर दो यानी अभी एक हफ्ता दो पहले भी मुझसे ये सवाल था. थके हुए से ज्यादा ड्रंक लग रहे थे आप लोग आपकी हम लोग लाशें बने हुए थे. अच्छा अच्छा प्यार में सबसे क्रेजीएस्ट चीज आपने क्या किया प्यार में? हाँ प्यार में मैं एक बड़ा रोमांटिक सा आदमी फिल्मी सा आदमी हूँ तो मैं बहुत उल्टी सीधी हरकतें करता हूँ सरप्राइज देने के लिए. जैसे मैं फोन पे रख के मतलब अगर मुझे किसी ने कहा है ना कि आई एम मिसिंग यू तो मैं फैसलाबाद से कराची चला जाता हूँ. हाँ ठीक है चलो ठीक है ओके बीवी के लिए ओके बाय टाइप का करके तो मैंने बेगम के लिए भी मैं आ चुका हूँ कई बार फैसलाबाद से किसी और के लिए भी आ चुके हैं वो पुरानी बात है ना कम ऑन बस ना. अच्छा वुड यू पोज नेकेड फॉर अ मैगजीन कवर अगर आपको सही पैसे दिए जाए? नेकेड हाँ ठीक है. अच्छा वन प्रोजेक्ट आपको रिग्रेट होता है कि मैंने इसको काश मना ना किया होता? मना ना किया होता हाँ नहीं ऐसा कोई नहीं है. अच्छा मैं कुछ फिल्म के नाम लूंगा आपने उनको जल्दी से रिव्यू करना है कुछ लफ्जों में ठीक है? मैंने मना किए हैं मैं सॉरी मैं मुझे याद आ जाती है बाद में बात मैंने मना किए हैं लेकिन मुझे रिग्रेट नहीं है. उनमें से रंगरेजा भी है उनमें उसका तो होगा भी नहीं रिग्रेट खुशी होगी उनमें खानी भी है. अच्छा हाँ तो खानी का रिग्रेट तो होना चाहिए. रिग्रेट एज इन के काश मैंने ना किया होता मना नहीं मैंने मना इसलिए किया होगा मैं किसी भी चीज को मना नहीं कर पा रहा होता ना करता हूँ अगर वो अच्छी होती है तो टाइम
इश्यूज बहुत होते हैं हमारे इस वजह से. खानी भी दिया, मैं इमेजिनिंग ना क्या होता. हाँ इंटरेस्टिंग होता. अब मैं कुछ फिल्म्स के नाम लूँगा, आप पे इनको कुछ वर्ड्स में इनका रिव्यू करना, ठीक है, जल्दी से. लेट्स स्टार्ट विद लॉर्ड ब्रेडिंग. ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट, अमेजिंगली कैप्चर्ड. जवानी 2 देखी है? मैंने देखी नहीं है, लेकिन आइडिया जो फील आपको. JPNA2 फन फिल्म, एंटरटेनिंग. आज़ादी. आज़ादी मोहराना. अच्छा ठीक है. सात दिन मोहब्बत इन माहिरा खान. परवाज़ है जुनून. फौज, एयरफोर्स. ठीक है. अच्छा आप एक लिफ्ट में फंस गए, लिफ्ट बंद हो गई है और आपके साथ हैं हानिया, आमिर, कुबरा खान और उष्णा शाह. क्या होगा अब? अब क्या होगा? हाँ गाने गाएंगे हम. कौन गाने गाएंगे, कौन क्या करेगा, थोड़ी डिटेल दे मुझे. देखें मैं और कुबरा फॉर श्योर हम तो डांस कर रहे होंगे, हम गाने भी गा रहे होंगे. ठीक है. और हानिया जोर जोर से चिल्ला के कुछ बोल रही होगी और हाइपर एक्टिव हुई होगी वो. ठीक है. ठीक है. और उष्णा फोन पे किसी को डांट रही होगी. ठीक है. अच्छा जल्दी से नेम 4 शान शाहिद फिल्म्स. शान शाहिद फिल्म्स. हाँ, 4. मुझे चांस चाहिए, गन्स एंड रोजेस, बुलंदी और उनकी पहली फिल्म. हाँ पता मुझे. हाँ और उटुमन. ठीक है. खुदा के लिए. ठीक है. 4 एक्ट्रेसेस जिनका नाम एम से शुरू होता हो. माहिरा खान, महविश हयात, मोमिना तो एक्ट्रेस नहीं है. मीशा शफी. हाँ शी एक्टेड. हाँ शी एक्टेड. हाँ मीशा शफी. और मथीरा. हाँ तो कितनी होगी? 4. 4 आइटम नॉन्ग, आइटम सॉन्ग्स पाकिस्तान के. बिल्ली और सफा कमर साहब ने भी तो एक आइटम नंबर किया था. कलाबाज दिल. हाँ कलाबाज दिल आइटम नंबर तो खैर नहीं था, एक और फिल्म में उन्होंने किया था. बड़ा चीप सा था वो. हाँ वो था. और आइटम नंबर तो कौन से हैं? मैं आइटम नंबर नहीं करूँगी. इट वाज एन आइटम नंबर. जल्दी से सिंग अ चीप सॉन्ग. सिंग अ चीप सॉन्ग. हाँ इट कुड बी उर्दू पंजाबी कोई गाना जाओगे दिमाग में फंसाओ. अच्छा कोई बॉलीवुड नंबर बेसिकली. एनीथिंग दैट्स दिमाग में आ रहा हो. पैंदी ए बरसात वे ना जावी अज रात वे. इतना बहुत है. एक और भी हो जाए वो आपको आते हैं नेड़िया तो it was a good song. वो तो उन्होंने भी किया था. वो क्या फरहाद ना. हाँ हम पुराने वाला थोड़ा सा कर लिया. आप कैमरा नेड़िया आ आ आ जालमा वे मैं सड़ गई हूँ. बस कर दे क्यों मुझे इंडस्ट्री से मेरा इमेज खराब होने वाला है इस इंटरव्यू के बाद. मोहसिन बहुत शुक्रिया आने के लिए. आई होप यू हैड फन. आई डिड. And thank you so much for tuning into OneTake. Please like, share, comment, subscribe, and देखना मत भूलिएगा OneTake. Thank you so much.